भी नौजवान इस पहलवानी से पीटीआई की सर्विस में चले गए। यहाँ कोरोना जांच की व्यवस्था है, रोज के यहाँ पे 25 सैंपल लिए जाते हैं। मक्का सर गांव है जो अखाड़ा खातर मशहूर है, और बाकी हालात तो जी गलत हो गया, तो डेढ़ महीनों के गरीब बैठे लोग, दिक्कत तो हो गई हुए। अब थाने के करना करे जाके करे, अब के कौन करूँ मैं, जाके मैं सब सोच हूँ। सर भैया राम राम, मैं प्रशांत और कैमरा मैन मुकेश के देख ला रहे जलको हनुमानगढ़। तो आज आप आ रहे हैं हनुमानगढ़ को, एक गांव है मक्का सर में आ रहे हैं। आज अठे है वैक्सीनेशन की जगह प्रक्रिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलना रही है, तो बैठा आ रहे हैं यहाँ। अठे का जगह लोग है, अठे का जगह डॉक्टर है, वहाँ मिलांगा। पॉजिटिव अंक की व्यवस्था करा के दिया गाँव में, हॉस्पिटल वगैरह में करा के या घर आइसोलेट करा के? घर पे ही। अच्छा, घर आइसोलेट करा के। तो वो जो का पकड़े हैं स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PHC है जी। तो अंदर थी व्यवस्था, देखो व्यवस्था बढ़िया, डॉक्टर साहब सारा जी, नर्स वगैरह दवाई दी सारी की मिला है, कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं, सारी दवाई मिला है। जब भी जब दवाई चाहिएगी वो मिलेगी, कोई नहीं, कोई स्लिप नहीं लेते। मैंने दो टीके, दो टीके लगाए, मेरे घर के दो टीके लगाए, उनको सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे। लोकबाग है जका अठे जी, मतलब सड़कों पर घूमनो जका युवा वर्ग का जका लोग है या लड़का कह दिया युवा वर्ग का बे चीज़ ने थोड़ा कम समझा है, तो थे बने के मैसेज देना चाहूँगा जी युवा लोगों को। हमने पहले भी कहा है कि जो खेलने का मैदान है हमारे, हमारे यहाँ दो तीन खड़े हैं, हमारी परंपरा है गांव की, हमारे कुश्ती का बड़ा शुरू से ही हमारा ये परंपरा है गांव। ठीक है, ठीक है। और वो खड़ों में भी हमने यहाँ हमारे एक गांव में भी वो गधे वाला है जो लोग नौजवान व्यायाम करते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वो भी बंद कर रखा है। अच्छा, और नौजवान उसमें अपना वो काम बंद करके एक जब तक ये लॉकडाउन चलेगा महामारी का, तब तक उन्होंने बंद कर रखा है। तो थैया कह ला रहे मक्का सर गांव है जो अखाड़ा खातर मशहूर है। हाँ, पहलवानी अखाड़ा, पहलवानी। तो आपने गांव में कितना जगह लड़का कहाँ की पहलवानी में गया है? हमारे पहलवानी कैसे है कि हमारे दर्शन सिंह जी पहलवान है। हाँ जी, हाँ जी, वो बुजुर्ग है, उनकी देन है जो भी है। अच्छा अच्छा। और कई काफ़ी नौजवान इस पहलवानी से PTI की सर्विस में चले गए, टीचर लग गए PTI, और भी कई डिपार्टमेंटों में गए हैं। हाँ जी, महामारी चलन आ रही है, थाने भी ध्यान है। अठे जी कई दुकानों में क्या कि दुकानदार है बे थोड़ा सा ये कि कालाबाजारी करना आ गया, पके दिया रेट है जगह बाजारों कोई भाव में लिया हुआ है, और ये महामारी चलता थोड़ा ऊंचा भाव में दिया। तो आपके गांव में अठे क्या व्यवस्था है, चीज़ करे है या कौन करे है तरीका? शुरुआत में एक दो दिन में करे लोग, लेकिन मैंने समझा दिया भी इन तरह वो पीस हो जो तंगी कमाए लोग आगे हालात तंग है तो थोड़े ज्यादा काम को नहीं आनो, और थोड़ा सा बना समझाने के बाद अब बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। अब जो लोगों का काम काज में बहुत फर्क पड़े है, तो थे भी अब देखोगे आप भी थे भी जो मान लो क्या काम करो थे भी? मैं खेतीबाड़ी करूं। खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी चलता है या कोई और बिजनेस चलता है, लोगों का काम पर बहुत प्रभाव पड़े, तो थे बताओ थारे काम पर कितना प्रभाव पड़े और गाँव वाला के? देखो खेतीबाड़ी वाले के प्रभाव पड़े है, ठीक है, खेत जाना है खेत में करना है, लेकिन जो लेबर तपको है मजदूर है बंग है कुछ पड़े है, तो बन है 5 किलो बंदे की कणक मिले ही, और 5 किलो सो गलो सरकार का फेरा दे सभी, बने 10 किलो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, तो कुछ ना कुछ सरकार मदद करे, और बाकी हालात तो जी गलत हुए, तो डेढ़ महीनों के गरीब बैठे लोग, दिक्कत तो हो गई हुए। एक छोटी सी बात और बताओ थे कि जो लॉकडाउन 2020 में लागो शुरुआत जब महामारी की शुरुआत हुई, और एक आज का टाइम है जो लॉकडाउन लगा रहा है, दोनों जो राज्य सरकार लॉकडाउन लगाया वो खिशो बढ़िया है लॉकडाउन? देखो जी पिछले लॉकडाउन में सख्ती ज्यादा आई, आदमी ने घरों ही कौन निकल दिया, और महामारी भी कौन ही। आज आपने मक्का सरगम टोटल 4 केस एक्टिव चलन आ रहे हैं कोरोना का पेशेंट है, 20-22 तक हो लिया, कभी 8 कभी 12, 12,500 ज्यादा आबादी है मक्का सरगम, और इनमें भी बे पॉजिटिव आने ला रहे हैं, जगह कोई बाहर सर्विस कर गया है, कोई टीचर है, रोडवेज कंडक्टर जो भी है। मैं लोगों ने जागरूक भी करा, 2-3 बजे सरासरी सिस्टम बना रखी है गाँव के अंदर, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ कांग्रेस हनुमानगढ़ हूँ, और मैंने विधायक जी को बार बार जगदीन मार्ग में वैक्सीन हुआ टेलीफोन आया, प्लस डिपो ऑर्डर कलेक्टर साहब का मान आदेश है भी थे टीकाकरण पर जाओ, लोगों ने जागरूक करो, और मैं घरों लोगों ने बुला गए जगह पहली डोज ना लग गई, पहली लगावा जगह मार्च में पहली लगाएगी मैं दूसरी लगाने लग रहा हूँ, तो हॉस्पिटल को जो स्टाफ है वो मैंने गाँव में कोऑपरेट करे, मैं गाँव में जीता युवा साथी हैं सरपंच साहब है, मैं मिलजुल गया सारा, एक बढ़िया मुहिम चला रखी है अभी बिना कोविड कोई रे ना जवाब मक्का सर। इंजेक्शन लगवा लियो? हाँ लगवा लियो। क्या व्यवस्था क्या लगी थाने? ठीक है, बढ़िया है। हाँ। और अभी ते इंजेक्शन है क्या लोग मतलब बुक करवाया या थाने सीधा उठा बाहर पर्ची काट के दी? व्यवस्था बताओ थाने क्या लगी क्या ही है? आसे दे मत उठा के लगवाए पर्ची को। हाँ, भीड़ भाड़ तो कौन लगी थाने कोई बढ़िया? ठीक है, डॉक्टर वगैरह कोऑपरेट करना थाने सहयोग कर ला रहे हैं? हाँ ठीक है, कर ला रहे हैं, गोली दे दी
टिको लगा दिए, बुखार बुखार ना, मेरे तकलीफ ना हुआ की। हाँ जी, ये अपना जैसे एक वैक्सीनेशन रूम रहता है जहाँ पे अपन टीका लगाते हैं, तो अपने पास पहले आदमी आता है अपना आधार कार्ड वगैरह देता है, तो अपन पूछते हैं उससे कि आपकी पहली डोज है या दूसरी डोज है। पहली डोज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड डोज के लिए अपन को समझाना पड़ता है कि फर्स्ट डोज लगने के 84 दिन बाद सेकंड डोज लगेगी। उस हिसाब से अपन एंट्री करते हैं इनकी, इनके फ़ोन नंबर वगैरह ले लेते हैं। फ़ोन नंबर से ऐसे है कि भाई आज जैसे फर्स्ट डोज लगवा ली तो कल को जैसे सेकेंड डोज के लिए नहीं आए तो अपन इनको इंडिविजुअली फ़ोन भी कर सकते हैं। जी जी, और बाकी मोटिवेट करते हैं सर इनको कि आप और भेजो जो बच रहे हैं अपने। हाँ जी सर, राज्य सरकार दो जगह कोरोना गाइडलाइन जारी है, बिंग अंतर्गत ही थे जो को है वैक्सीनेशन करना रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मास्क के लिए बोलते हैं इनको, टीकाकरण रूम में आने से पहले मास्क लगाना चाहिए। हॉस्पिटल में अपन एंट्री नहीं देते बिना मास्क लगे आदमी को। जी हमारे हॉस्पिटल में लोग टीका लगवाना है, कोऑपरेट करना रहे सर। बिल्कुल जी, बढ़िया, अपने साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपना जो पंचायत स्तर पे है ना, अच्छा मतलब हो रहा है इस चीज़ के लिए, टीके के लिए। अपने सरपंच साहब हैं और पंचायत स्तर पे जो व्यक्ति हैं वो लोगों को मोटिवेट करके ला रहे हैं, अपन को दिक्कत नहीं आ रही। अपना टारगेट लगभग अचीव हो चुका है 45+ का यहाँ पे, अब तो 18 से लेके जो 44 वालों की उनकी डिमांड हो रही है कि उनके वैक्सीन लगे। लगभग जो को कितना लोगों ने वैक्सीनेशन अटैक कर दिए थे यहाँ पे? अपना 2000+ वैक्सीन हो चुका है अपन को, जैसे अपन को 3000 मिला है टारगेट, तो 2000 से ऊपर हो चुके हैं। और जो बाहर के लोग हो चुके हैं वो अलग, मेरी संस्था में 2000 से ऊपर लोगों को टीका लग चुका है और कईयों ने बाहर भी लगवाया है सर। मक्का सर, वैक्सीनेशन खातर कोई डोज की मारामारी हुई है? नहीं नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, खूब वैक्सीन आती है अपने को ना। थोड़ा सा तो ये बताऊंगा कि जबकि वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है। हाँ जी हाँ जी, में अंतर किया थोड़ा सा ये बताओ। नहीं अंतर तो कुछ भी नहीं है, वो ही रहता है अपने को, उतनी डोज लगती है। टाइम को डिफरेंस वगैरह, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरह के चल रहे हैं, तो अपने मक्का सर में आज तक कोविशील्ड दी गई है सर अपन को। कोविशील्ड का पहले आया था जैसे 6 वीक बाद लग रही थी, अब नई गाइडलाइन में है कि अपन को 12 हफ्ते बाद लगनी है, 84 दिन का हो गया है फर्स्ट डोज लगने के बाद में। तो अपन की आज तक यहाँ पे कोविशील्ड दी गई है सर, कोवैक्सीन तो आई नहीं है यहाँ पे, तो कोविशील्ड वाले हैं अपन, उनको 84 दिन बाद बुला रहे हैं। पहले 42 दिन के गैप पे भी कई लोग लगवा के गए हैं। बुखार की तो नॉर्मली देते हैं दवाई, अभी सिंपल एंटीबायोटिक ही देते हैं। अगर पेशेंट को कोई और सिम्टम हो, सिंपल बुखार के अलावा अगर उसको टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले उसको कोरोना टेस्टिंग के लिए भेजते हैं यहाँ पे। बाकी सिंपल बुखार है तो सिंपल एंटीबायोटिक देके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। पूछना रहे हो लगाओ भी था दिक्कत की है? हर पेशेंट से उसकी दिक्कत पूछी जा रही है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसकी हर पेशेंट की यहाँ पे कोरोना जाँच करवाई जा रही है। जितने भी पेशेंट सुबह से आ रहे हैं सबकी कोरोना जांच हो रही है यहाँ। कोरोना जांच की व्यवस्था है यहाँ? कोरोना जांच की व्यवस्था है, रोज के यहाँ पे 25 सैंपल लिए जाते हैं, सबके टेस्ट किए जा रहे हैं। टिको की पहली डोज लगवाओ, दूसरी डोज पहली डोज लगवाना है तो के थाने पर्ची काट के दिए के व्यवस्था क्या करी था? तो अपन लड़को लगे रहेंगे अंदर कंपनी के अंदर। अच्छा, तो बंगा पूरा अंदर प्रेशर भी थे, तेरे माँ बाप को टिको लगवा देना। अच्छा अच्छा, तो फोन करके क्या ला रहे अभी टिको लगवाओ? टिको लगवाओ। अच्छा अच्छा, बट टिको लगवाना है तो अंदर आते थाने के पर्ची काट के दिए के दियो थाने के देखे थारो अति की कौन दिया ने ते अंदर ही कौन गया? अच्छा ते अंदर कौन गया अभी? तो लगातार ऐसा वीडियो देखकर खातर जलको और मानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, पास दे बेल आइकन का बटन ने दबा दियो ताकि कोई भी नई सूचना आवे या नई कोई भी जानकारी आवे तो थाने समय समय पर मिलती रहे। और आ वीडियो थाने किया लागी, अठाई व्यवस्था थाने किया लागी, तो थारा जक्का भी विचार है माने कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बतायो। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।